सिंहघाट में एक मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण मंगलवार शाम करीब 6 बजे शिवाजी चौक स्थित डॉक्टर निर्मेश कोठारी के अस्पताल में 3-4 लोगों ने अस्पताल ऑटो उपचार के लिए लाया गया था। जब डॉक्टर कोठारी ने पहली नजर में मरीज की जांच की तो इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने उसे अस्पताल के बरामदे में लाया और इलाज से पहले ही मरीज को मृत घोषित कर दिया। रोगी के कागजात को लिखते समय यह पता चला कि रोगी का कोरोना सकारात्मक था। इस समय मरीज के साथ रहने वाले मृतक रोगी के बेटे ने डॉक्टर निर्मेश कोठारी का अपमान किया और मारपीट की। इस प्रकार की शिकायत डॉक्टर निर्मेश कोठारी ने अपने सहकारी डॉक्टर के साथ पुलिस स्टेशन हिंगनघाट जाके दी है। इस वक्त की परिस्थिति को देखते हुए उप विभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश कदम भी हिंगनघाट पुलिस स्टेशन में मौजूद हुए थे। और हमको सिक्योर नहीं लगता कि हम अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर सकते, तब तक हिंगनघाट आए हुए यहाँ पे अपनी सेवाएं नहीं देगा, ओपीडी सेवाएं नहीं देगा। इमरजेंसी देख रहे हैं, ओपीडी सेवाएं नहीं देंगे जब तक के आरोपी को पकड़ा नहीं जाएगा। आज हिंगनघाट शहरातील डॉक्टर कोठारी यांच्या रुग्णालयात जी घटना घडली त्याबाबत डॉक्टर निर्मेश कोठारी यांच्या तक्रारीवरून योग्य कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आरोपीची शोध प्रक्रिया चालू आहे। सध्या या ठिकाणी परिस्थिती शांत असून उपस्थित IMI डॉक्टरांना योग्य ती चर्चा करून त्यांना त्यांचे दवाखाने सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी आवाहन करण्यात आलेलं आहे। आमच्या याद्वारे आवाहन करण्यात येते की सर्व नागरिकांनी शासनाचे निर्देश दिलेले आहेत त्याचे पालन करावे, एकमेकापासून अंतर ठेवावे, मास्क वापरावा आणि शासनाचे निर्देशाचे तंतोतंत पालन करून शासनाला पर्यायाने पोलिसांना सहकार्य करावं असं मी आवाहन करतो। BCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।